क्या आपने कभी सोचा है कि टाटा सुमो का नाम टाटा सुमो क्यों रखा गया? सुमो तो एक रेसलिंग का तरीका है, तो इसका इस गाड़ी के नाम से क्या लेना देना? सही बात है, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सुनो टाटा सुमो के नाम के पीछे की कहानी। टाटा सुमो के सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एक साथ बैठकर लंच टाइम में खाना खाते थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने देखा कि उनके एक कलीग मिस्टर सुमंत मुलगांवकर कुछ दिनों से उनके साथ खाना नहीं खा रहे। वो लंच ब्रेक में कहीं चले जाते हैं और लंच ब्रेक खत्म होने से पहले वापस आ जाते हैं। इसी बीच ऑफिस में एक रूमर फैल गया कि कुछ टाटा डीलर्स उन्हें 5 स्टार में खाना खिला रहे। इसे देखने के लिए टाटा के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने उनका पीछा किया और फिर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो सब सरप्राइज हो गए। मिस्टर सुमंत एक ढाबे पर ट्रक ड्राइवर के साथ खाना खा रहे थे, साथ ही ये भी समझ रहे थे कि टाटा ट्रक्स में क्या कुछ अच्छी चीजें हैं और क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर बना सके और टाटा के ट्रक्स भी बेहतर बना सके। उनके इस हम्बल एक्ट को मिला एक ट्रिब्यूट, जिसके चलते टाटा की अगली कार का नाम उनके नाम पर रखा गया, सुमन का SU और मुलगांवकर का MO, दैट इज टाटा सुमो। तो एक और हम्बल एक्ट आप भी कर दो और कन्वे को सब्सक्राइब कर दो।